हेलो नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस गोल्डन कलर के अंदर, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम हीरो पैशन प्रो ब्लैक के साथ, क्योंकि इन दो गाड़ियों का जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल सा है, केवल 2000 रुपए का है, बट जो फीचर्स में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इंजन भी आपको चेंज मिलेगा, डिजिटल मीटर वगैरह। तो इनका अभी हम फिलहाल कंपैरिजन देखते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, और दोनों गाड़ियों में कितना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, क्या ये जो 2000 रुपए हैं ये जस्टिफाई हैं पैशन प्रो में लगाना या नहीं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। बाकी ये जो दोनों गाड़ियां हैं ये प्रोवाइड करी हैं अशोक सेल्स नगटिया बरेली ने, मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूंगा, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेरी चाहिए, अगर आप आस पड़ोस से देखते हैं, नगटिया बरेली फरीदपुर कहीं से भी देखते हैं, तो आप इनसे पता कर सकते हैं, तो आप सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप करते हैं वीडियो का कंपेरिजन शुरू और देखते हैं कि क्या कुछ आपको खास मिलता है। तो शुरुआत करते हैं हम हीरो स्प्लेंडर प्लस से। इसका अगर आप फ्रंट देखेंगे तो आपको दोनों गाड़ियों का अगर आप फ्रंट देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, जो हमारी स्प्लेंडर है और जो पैशन है, स्प्लेंडर थोड़ी सी आपको क्लासी और डिसेंट लुक में मिलती है, बाकी पैशन प्रो आपकी थोड़ी सी स्पोर्टी लिखती है, मतलब स्पोर्टी लुक के साथ मिलती है, स्पोर्टी दिखती है, आप देख सकते हैं, है ना। और इसकी जो हमारी हेडलाइट है पैशन की, वो भी आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। और अब मैं आपको बाइक के थोड़ा पास में लेके चलता हूँ, पूरा सेटअप दिखाता हूँ लाइट्स का। तो यहाँ पर जो चारों यूनिट है, मतलब लाइट और इंडिकेटर वगैरह, वो सब हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है, और ऑरेंज कलर के आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ लोगो जो है वो स्टिकर है चिपका हुआ, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मैट फिनिश में आपको गोल्ड कलर दिख जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर आप थोड़ा पॉलिश वॉलिश लगाते हैं तो। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पैशन प्रो की तरफ। तो इस गाड़ी का अगर आप लुक देखते हैं सामने से, तो थोड़ा सा स्पोर्टी मिलता है। हीरो की यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है 3D में, जो कि आप टच करके फील कर सकते हैं। ऊपर आपको ब्लैक कलर का कुछ वाइजर मिल जाता है, नीचे आपको हैलोजन बल्ब तो मिलता है लेकिन पार्किंग लाइट नहीं मिलती है, ठीक है। साइड में आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि व्हाइट कलर के, और नीचे की तरफ आपको ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलता है ग्लॉस फिनिश में। और अगर हम नीचे और इसके नीचे चलते हैं, जैसे टायर वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर आपको 18 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि 1818 इंच का, मतलब इसमें टायर लगा हुआ है ट्यूबलेस, सेम टायर आपको यहाँ पर मिलता है। और टायर के ब्रांड की बात करूँ तो आपको TBS का मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको हीरो स्प्लेंडर में एक मिलता है गोल ऑरेंज कलर का, और पैशन प्रो में आपको दो मिलते हैं, आप देख रहे होंगे आगे टायर। अब इसकी टंकी की तरफ चलते हैं, और अगर मैं आपको साइड से लुक दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग मिलती है 3D में क्रोम कलर की, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और अलग भी कंट्रास्ट में भी लगती है। और यहाँ पर आपको पैशन प्रो की बैजिंग मिलती है, पैशन और प्रो ग्रो कलर, वो ग्रे कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर की टंकी है, जो कि काफ़ी हैवी सी लगती है पैशन प्रो में, और स्प्लेंडर में थोड़ा सा हल्की लगती है, मतलब छोटी लगती है, हालांकि साइज़ दोनों का 10-10 लीटर का है। और साइड पैनल में आपको स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग मिलती है i3S के साथ, स्प्लेंडर प्लस 3D में i3S स्टिकर है, तो वैसे ही सेम आपको पैशन में i3S की स्टिकर मिलता है। और इसका जो ग्रे कलर, ब्लैक और ग्रे कलर का जो कॉम्बिनेशन है पैशन प्रो का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, एकदम मेटैलिक पेंट है। और पीछे से इसका, मतलब स्प्लेंडर का लुक कुछ इस तरह से आता है। साइलेंसर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साइलेंसर में भी चेंज है, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगा। शॉकर आप देख लो, यहाँ से शॉकर कुछ इस तरह का आपको स्प्लेंडर में मिलता है, जो कि देखे तो होंगे ही आपने, है ना। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्प्लेंडर प्लस का जो शॉकर है, उसके ऊपर आपको गोल्डन कलर का पूरा पेंट दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से, जो कि मैचिंग का है बाइक के साथ। बट यहाँ अगर हम पैशन प्रो देखते हैं, ये तो खैर केरियल है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर हम पैशन प्रो देखते हैं तो पैशन प्रो में आपको ऊपर तो बैजिंग मिलती है, लेकिन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, नीचे आपको रेड कलर का हाई कंट्रास्ट के साथ मिलता है। साइलेंसर आपने वहाँ देखा होगा, और इसका दोनों गाड़ियों का साइलेंसर भी थोड़ा सा चेंज है। कैरियर आप देख सकते हैं पीछे से, जो हमारी पैशन प्रो है उसका शायद ये डेक्सून होता है, और ये पूरा मेटैलिक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टिफ रहता है मेटैलिक, एक बार के लिए डेक्सून टूट जाता है लेकिन मेटैलिक नहीं टूटता है। पीछे से दोनों गाड़ियों का लुक कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बाई LED मिलती, मतलब बाई ऐसा लगता है बाई वाली लाइट है, दो पार्ट्स में मतलब लाइट डिवाइड है पैशन में। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसी दिखाई देती है जलने के बाद हमारी पैशन की लाइट। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पीछे से इसकी लाइट देखो, ऐसा लगता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, आधी आधी। और इसमें लेकिन मुझे बल्ब भी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें LED, लेकिन बल्ब भी लग रहा है। वहीं अगर मैं एक बार आपको स्प्लेंडर का लुक दिखाता हूँ, तो स्प्लेंडर का लुक सिंपल सा है, बट अभी मैं आपको इसको भी जलवा के दिखाता हूँ कि जलने के बाद कैसी दिखती है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी इसके चाबी वाबी का इंतजाम करवाना पड़ेगा भैया को बोल के। तो अभी आप पीछे का दोनों का लुक देखना एक साथ, मतलब दोनों गाड़ियों का कैसा लुक आता है पीछे से, और दोनों की आवाज़ सुनना। और जो मेरे माइक और साइलेंसर की दूरी है वो लगभग 3 फीट है। इंडिकेटर चला देना इसका, एक बार स्प्लेंडर की रेस देता।
बंद कर दो। तो अभी आपने आवाज़ तो सुनी होगी, बाकी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किसकी आवाज़ पसंद है। ये डिसीज़न आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, ठीक है। बाकी आप साइलेंसर देख लो, दोनों बाइकों का थोड़ा सा डिफरेंट है। और अभी मैं अगर ब्रेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको दोनों बाइकों में ड्रम ब्रेक मिलते हैं, आगे और पीछे कहीं पर भी आपको दोनों में से किसी बाइक में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, आप देख लो आराम से। बाकी अब मैं आपको एक फ़ीचर दिखाता हूँ पैशन प्रो में, इसमें ऑटो कट ऑफ मिल जाता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट कर ली और मैं अभी इसमें गियर डालूंगा और स्टैंड लगाऊंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये गाड़ी हमारी बंद हो चुकी है। और जो ये फ़ीचर है ये आपको स्प्लेंडर में नहीं मिलता है, वो आपको स्प्लेंडर के एक्सटेक वेरिएंट में मिलता है, वो आपको इसमें नहीं मिलता है। और अब बात करते हैं पैशन के इंजन एंड पावर की। तो इसमें आपको 113 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है आपकी 9 horsepower ऑल ओवर 10 Nm का टॉर्क, और इसमें 4 gear मिलते हैं। वहीं स्प्लेंडर की बात करते हैं तो स्प्लेंडर में आपको 8 horsepower और 8 Nm का 97 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि सेम 4 gears के साथ आता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी स्प्लेंडर का इंजन है वो लेटे हुए में आता है, और जो हमारी पैशन का इंजन है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो खड़े में आता है। तो ऐसा माना जाता है कि खड़ा इंजन थोड़ा सा ज़्यादा पावर में बेहतर होता है। और ये जो खड़े लेटे का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मेरे को ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं इसके बारे में। इसके अलावा अगर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लेग गार्ड मिल जाता है पैशन में, छोटा सा थोड़ा, और ऐसा ही आपको स्प्लेंडर में मिलता है। वहाँ पर क्रोम कलर का मिलता है और पैशन में आपको ब्लैक कलर का मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं बुलेट की तरह, यहाँ पर आपको मतलब इसी में मिलता है। जो MRP अभी मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊंगा उसी में आपको मिले। बाकी एक सिंगल हॉर्न मिल जाता है, ऐसे ही सेम यूनिट आपके स्प्लेंडर में मिलेगी, वही सेम यूनिट आपको यहाँ मिलेगी। और इसके अलावा एक बार आप फिर से यहाँ साइड से लुक ले लो गाड़ी का, किस तरह से आपको मिलता है देख लो, कितना ज़्यादा कौन सी चमक रही है, कौन सी ज़्यादा आपको बेहतर लग रही है ना। ये कुछ ऐसा लुक आपको पीछे से मिलता है। बाकी अभी मैं आपको सीट हाइट वगैरह भी दिखवा दूंगा, इससे पहले मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का दिखा देता हूँ सारा फीचर क्या कुछ आपको मिलता है। तो पैशन में आपको मिलता है सेमी डिजिटल मीटर, मतलब आधा आपको डिजिटल और आधा आपको एनालॉग मिलता है। इस बटन से आप ट्रिप वगैरह कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि i3 जो आपकी टेक्नोलॉजी वो ऑन है ऑफ है, और यहाँ से आपका i3s जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको USB पोर्ट तो मिलता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, बट ऊपर कोई भी स्पेस नहीं मिलता है रखने के लिए फ़ोन वगैरह। साइड में चलते हैं तो साइड में आपको हाई बीम लो बीम का ये बटन मिल जाता है, पास की लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और एक हॉर्न का मतलब बटन मिल जाता है। इधर सेल्फ स्टार्ट मिलता है और जो i3s ऑन ऑफ करने का बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं मीटर में ऑन ऑफ लिखा आ रहा है बार बार, और ऊपर आप देख सकते हैं कुछ एक इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी अब हम चलते हैं स्प्लेंडर की तरफ। तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली एनालॉग मीटर मिलता है, पूरा मतलब डिजिटल इसमें कुछ भी नहीं है, कम्प्लीट एनालॉग मिलता है। और साइड में आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब USB पोर्ट भी मिल जाता है और मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी मिल जाता है। अगर आप हैंडल बार की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देखने में तो सेम टू सेम आपको पैशन वाला ही मिलता है, और हाई बीम लो बीम मिल जाते हैं, पास का बटन नहीं मिलता, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न के स्विचेस मिल जाते हैं। बाकी इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, i3s ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, और ये है इसका फ्रंट ब्रेक। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैशन का हैंडल है वो थोड़ा सा आगे और स्प्लेंडर का हैंडल थोड़ा सा पीछे नीचे की तरफ झुका हुआ है, इससे आप रीपोजिशनिंग भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नॉर्मली फीचर्स की तो बात हो गई, अब एक दो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। एक तो इसकी हाइट वगैरह रह गई है, बाकी वेट और प्राइस। तो सबसे पहले मैं इसके वेट की बात करूं तो पहले हम बात करेंगे पैशन की। तो जो पैशन का वेट है वो है 117 किलो यानी 117 kg, और स्प्लेंडर का है 112 किलो यानी 112 kg की। और अब मैं आपको सीट हाइट दिखाता हूँ, फिर एंड में हम प्राइस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पैशन की सीट हाइट दिखाता हूँ और उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको स्प्लेंडर की। तो ये है अपनी पैशन, और ये जो भैया बैठ रहे हैं इनकी हाइट है 5'7". आई रिपीट, 5'7" इनकी हाइट है, और आप पैर देख वो और आप पैर देख लो आराम से पहुँच रहे हैं। क्या पोजिशन रहती है ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा, और पीछे काफ़ी स्पेस रहता है। इसके अलावा जो पैशन है हमारी पैशन का जो हैंडल है वो थोड़ा सा आगे की तरफ है, मतलब टंकी की तरफ नहीं उसके मीटर की तरफ है, तो थोड़ी सी पोजीशन इसकी वैसी रहती है स्ट्रेट।
और यहीं पे अगर हम स्प्लेंडर की बात करें तो इसकी हाइट भी 5 फुट 7 इंच है। वो भैया थोड़ा सा बिजी थे तो मैंने इसे बुला लिया, मेरा दोस्त है, तो इसकी हाइट भी 5 फुट 7 इंच है। और इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा नीचे टंकी की तरफ लीन रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है। वो आप चाहें तो पोजिशन चेंज भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसकी हाइट आपने देख ली होगी तो कुछ ऐसी पोजिशन रहती है, स्प्लेंडर थोड़ी सी नीची लग रही है मेरे को, है ना। बाकी वैसे सीट हाइट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे 5'4" हो 5'3" हो, हल्की गाड़ियाँ होती हैं, आप आराम से चला सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। और एंड में अब हम चलते हैं प्राइस की तरफ। तो सबसे पहले बात मैं करूँगा पैशन की, तो पैशन आपको पड़ती है 90,000 की ऑन रोड नकटिया बरेली उत्तर प्रदेश में, और यही स्प्लेंडर प्लस गोल्ड एडिशन पड़ती है आपको 88,000 की ऑन रोड नकटिया बरेली में उत्तर प्रदेश में। तो प्राइस के मामले में आपको 2,000 रुपये पैशन प्रो में ज़्यादा तो देने पड़ते हैं, बट 2,000 रुपये में आपको बड़ा बेहतर इंजन और एक डिजिटल स्पीडोमीटर पूरा, और आपको जो स्पीडोमीटर वाली जो वायर होती है वो आपको नहीं मिलती है, वो आपको डायरेक्ट इंजन से मिलती है, जिससे हमारी टॉप स्पीड या स्पीड पता चलती है कि हमारा इंजन, मतलब जो बाइक है वो कितने स्पीड से दौड़ रही है। बट स्प्लेंडर में क्या होता है, वो जो आगे आपने देखा होगा वायर पड़ती है, मीटर वायर, जिससे कि हमारे स्पीड पता चलती है, वो आपका अगले टायर में ही है। तो इससे क्या दिक्कत होगी, इससे ये होता है कि अगर आपका कभी जैसे तार टूट जाता है तो 100-150 रुपये की आपकी वो वायर पड़ती है, ठीक है। तो आपका पैशन प्रो में वो खर्चा बचेगा। बाकी वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर दिया, आप कोई भी गाड़ी लो, दोनों गाड़ियों में आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है, दोनों गाड़ियाँ अपनी क्लास लीडिंग है, चाहे आप 100 cc में लो चाहे ये 125 cc में लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।